नमस्कार मित्रों, ड्रेजार पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम आज के इस वीडियो लेक्चर में 10वीं कक्षा के इंग्लिश प्रोज के 5वें अध्याय जिसका नाम है टॉर्च बीरर्स के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट का अध्ययन हमने पहले वीडियो लेक्चर में कर लिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो आप कक्षा 10 की इंग्लिश प्रोज की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, ध्यान से समझिएगा। आज के इस वीडियो में ये वीडियो पिछले वीडियोस की तरह नहीं होगा, यानी जो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवीजन कर लेते थे आज रिवीजन नहीं कराया जाएगा। आज हम एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक के बारे में एक कहानी कही जाती है। दैट कि इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के दौरान, ही केम टू अ विलेज, वो एक गाँव में पहुँचे। बिसाइड्स हिम, इसके अतिरिक्त यानी उनके अतिरिक्त यानी उनके साथ, हिज डिसिपल, उनका शिष्य मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज, इसके अतिरिक्त उनका शिष्य मर्दाना भी उनके साथ उस गांव में आया। दे वांटेड, वे चाहते थे टू स्टे, रुकना, देयर फॉर द नाइट, वो उस रात वहां पर रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड, बट लेकिन द विलेजर्स गांव वाले वर रूड, रूड मतलब अभद्र थे, असभ्य भी कह सकते हैं, लेकिन गांव वाले अभद्र थे एंड इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है आतिथ्य सत्कार ना करने वाला, जो अपने अतिथियों का सम्मान ना करे, सत्कार ना करे। तो लेकिन गांव वाले अभद्र और आतिथ्य सत्कार ना करने वाले थे एंड वुड नॉट लेट देम, और उन्होंने नॉट लेट देम स्टे, उन्होंने उन्हें नहीं रुकने दिया एनी वेयर, कहीं पर भी, इन द विलेज, उस गांव में, और उन लोगों ने उन्हें उस गांव में कहीं पर भी रुकने नहीं दिया। सो इसलिए गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स मतलब बाध्य हो गए, टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए, इन द ओपन, खुले में। इसलिए गुरु नानक और मर्दाना खुले में रात बिताने के लिए बाध्य हो गए। एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, जब वे उस गांव से जाने लगे, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे, हमेशा रहें, इन दिस विलेज, इसी गाँव में, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गाँव के सभी लोग इसी गाँव में हमेशा रहें। मर्दाना वाज समवाट पजल्ड, पजल मतलब भौचक्का रह जाना, अचंभित हो जाना, तो मर्दाना थोड़ा सा अचंभित हो गया एट दिस, इस बात पर। बट सैड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू अनदर विलेज, वो एक दूसरे गांव में जाते हैं, पहुंचते हैं, जाते हैं कह सकते हैं, वेयर, जहाँ दे मिट विथ अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब स्वागत, जहाँ पर उनका एक भिन्न प्रकार से स्वागत होता है, यानी पूर्णतः भिन्न, पहले वाले से पूर्णतः अलग, ठीक है। तो वेयर दे मेट विथ अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहाँ पर उनका भिन्न प्रकार से स्वागत होता है। द विलेजर्स, गांव वाले वेलकम्ड देम, उनका स्वागत करते हैं, ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। फाउंड देम अ प्लेस, फाउंड मतलब ढूंढना, देम उनके लिए अ प्लेस, एक स्थान, उनके लिए एक स्थान ढूंढते हैं, टू स्टे यानी रुकने के लिए, उनके लिए एक स्थान ढूंढते हैं, फॉर द नाइट, उस रात रुकने के लिए उनके लिए एक स्थान ढूंढते हैं। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन देते हैं। फिर से देखेंगे इसको, द विलेजर्स वेलकम देम, गाँव वाले ने उनका स्वागत किया, ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, उस रात रुकने के लिए उनके लिए एक स्थान ढूंढा। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह, या फिर कह सकते हैं अगली सुबह, एज गुरु नानक, जब गुरु नानक एंड मर्दाना, और मर्दाना वर लीविंग, जाने लगे, द गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गाँव के लोग, मे नॉट रिमेन, ना रहें, इन देयर विलेज, अपने गांवों में, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग अपने गांवों में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब होता है फैल जाना, थ्रू आउट कंट्री, इस पूरे देश में फैल जाएं,
मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना। मर्दाना के लिए ये अब बहुत ज़्यादा हो गया, यानी भाई बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, तो वही कहते हैं कि मर्दाना के लिए अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। ही प्रोटेस्टेड, उसने पूछा, प्रश्न किया, वाई, क्यों। ही सैड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा, क्यों डू यू प्रे, आप प्रार्थना करते हैं फॉर गुड थिंग, अच्छी चीज़ों की, फॉर पीपल, उन लोगों के लिए हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। तो हम पहले यहाँ पर समझेंगे, कामा लगा देते हैं अपने लिए, ये हमारा कामा है। तो कहता है कि वाई मतलब क्यों, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, आप उन लोगों के लिए अच्छी कामना क्यों करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। एंड फॉर मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चूनस मतलब होता है दुर्भाग्य, और उनके दुर्भाग्य की कामना क्यों करते हैं, फॉर दोज, उनके लिए, हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। यानी पूरा मिलाकर कह रहा है कि आप उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया अच्छी प्रार्थना क्यों करते हैं, और उन लोगों ने जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया बुरी प्रार्थना क्यों करते हैं। यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी, फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स, इनहॉस्पिटेबल मतलब होता है आतिथ्य सत्कार ना करने वाले, तो इन आतिथ्य सत्कार ना करने वाले गांव वालों के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी, टू बी स्कैटर्ड, कि ये फैल जाएं ओवर द कंट्री, पूरे देश में। एंड फॉर दो दीज गुड पीपल, एंड और फॉर दीज गुड पीपल, इन अच्छे लोगों के लिए, टू रिमेन कम्फर्टेबली, यानी आराम से, वेयर दे आर, कि वो वहीं पर रहें, रिमेन मतलब वहीं पर रहें जहाँ पर वे हैं, और कैसे रहें, कम्फर्टेबली यानी आराम से रहें। अर्थात फिर से समझेंगे, यू शुड हैव प्रेड फॉर दीज दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, आपको इन आतिथ्य सत्कार ना करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी कि ये पूरे देश में फैल जाएं। एंड फॉर दीज गुड पीपल टू रिमेन कम्फर्टेबली वेयर दे आर, और इन अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी कि ये जहाँ हैं वहीं आराम से रहें। नो, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने कहा, नो नहीं, इट इज़ बेटर, ये ठीक है, फॉर दोज उन इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश, उन आतिथ्य सत्कार ना करने वाले और मतलबी पीपल, लोगों के लिए इट इज़ बेटर, ये ठीक है, टू स्टे इन वन प्लेस, कि वो एक ही स्थान पर रहें, वेयर, जहाँ दे कैन डू हार्म इन ओनली इन वन प्लेस ओनली, जिससे कि वो केवल एक ही स्थान को नुकसान पहुँचा सकें, हाँ मतलब नुकसान पहुँचाना। तो कहते हैं कि ये उन मतलबी और आतिथ्य सत्कार ना करने वाले लोगों के लिए यही ठीक है कि वे एक ही स्थान पर रहें, जिससे वे एक ही स्थान को नुकसान पहुंचा सकें। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरे स्थानों पर जाते हैं, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस, एविल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, एविल मतलब बुरा प्रभाव, तो यदि वे दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो उनका प्रभाव, बुरा प्रभाव पूरे देश में फैल जाएगा। फिर से, कि इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो उनका बुरा प्रभाव पूरे देश में फैल जाएगा। भाई अच्छे के साथ करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, बुरे का साथ करेंगे तो बुरे बनेंगे ना, तो वही बात कह रहे हैं। नाओ दीज गुड पीपल, जबकि नाओ दीज गुड पीपल, जबकि ये अच्छे लोग, विथ होम, जिनके साथ वी पुट अप लास्ट नाइट, हम पिछली रात रहे या फिर पिछली रात गुजारी, आर टू गुड, बहुत अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, एक स्थान पर रहने के लिए बहुत अच्छे हैं। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ है, विच इज नीडेड एवरीवेयर, जिसकी प्रत्येक स्थान पर आवश्यकता है, उनके पास कुछ ऐसा है जिसकी प्रत्येक स्थान पर आवश्यकता है। देयर इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव, एंड देयर कैरेक्टर, और उनका चरित्र,
विल बी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए लाभकारी हो सकता है। वेयर एवर दे गो, वो चाहे जहाँ कहीं पर भी जाएं, तो फिर से यहाँ से यहाँ तक ये कहना चाहते हैं कि वे चाहे जहाँ कहीं भी जाएं, उनका चरित्र और उनका प्रभाव दूसरों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हिंस, इसलिए दे आर टू बी स्कैटर्ड, उन्हें फैल जाना चाहिए। सो दैट, जिससे कि दे कैन टेक देयर लाइट, वे अपना प्रकाश ले जा सकें टू अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों पर। इसलिए उन्हें फैल जाना चाहिए जिससे कि वे अपना प्रकाश दूसरे स्थानों पर भी ले जा सकें। नाउ, अब नाउ आ गया, कोई बाल कटाने नहीं जाएगा। नाउ मतलब होता है अब। तो नाउ वी हैव टू सी टू इट, हमें क्या कह रहा है कि नाउ वी हैव टू सी टू इट, अब हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए दैट वी ग्रो, कि हम बड़े हों, इनटू सच सिटीजन्स, ऐसे नागरिकों के रूप में, दैट पीपल, कि लोग विल वांट, चाहें द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र के प्रकाश को, एंड आवर इन्फ्लुएंस, और हमारे प्रभाव को, एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर। तो फिर से समझेंगे इसको। नाउ वी ऑल हैव टू सी इट, अब हमें ऐसा प्रयास करना है दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, कि हम ऐसे नागरिक बने, दैट पीपल विल वांट, कि लोग चाहें द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र का प्रकाश, एंड आवर इन्फ्लुएंस, हमारे प्रभाव को, एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर। तो अब हमें ऐसा प्रयास करना है कि हम ऐसे नागरिकों के रूप में बड़े हों कि लोग हमारे चरित्र के प्रकाश और हमारे प्रभाव को प्रत्येक स्थान पर वांट, चाहें। वी डू नॉट, विस, हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, इस तरह का कैरेक्टर, यानी इस तरह का चरित्र नहीं रखना चाहिए, यानी हमें इस तरह के चरित्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए, दैट की विल मेक पीपल वांट, कि लोग चाहें अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि हम एक ही स्थान पर रहें, एंड नॉट टू मिक्स विथ अदर्स, और दूसरों के साथ ना घुले मिलें। हमें ऐसे चरित्र की कामना नहीं करनी है जिससे कि लोग चाहें कि हम एक ही स्थान पर रहें और दूसरों के साथ ना घुले मिलें। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनते हैं, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, देखिए हु विल बी एबल, एबल मतलब योग्य, टू सर्व आवर कंट्री, जो हमारे देश की सर्व सेवा करने के योग्य होगा, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, तो हमें प्रकाश को ले जाना चाहिए विथ अस अपने साथ, विथ अस वेयर एवर वी गो, हम जहाँ कहीं भी जाएं, एंड नॉट डार्कनेस, ना कि अंधकार। तो फिर से बड़ा है पैराग्राफ, देखिए, इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, जो हमारे देश की सेवा करेगा, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विथ अस, तो हमें अपने साथ प्रकाश को ले जाना चाहिए, वेयर एवर वी गो, हम चाहे जहाँ कहीं भी जाएं, एंड नॉट डार्कनेस, ना कि अंधकार को। तो पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक ध्यान से समझिएगा। यदि हम अच्छे नागरिक बनते हैं जो अपने देश की सेवा करेगा, तो हम चाहे जहाँ कहीं पर भी जाएं, हमें अपने साथ क्या ले जाना चाहिए, प्रकाश ले जाना चाहिए, ना कि अंधकार ले जाना चाहिए। आवर इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव ऑन अदर्स, दूसरों पर, मस्ट बी फॉर गुड, अच्छे के लिए होना चाहिए, एंड नॉट डार्कनेस, ना कि अंधकार के लिए। दूसरों पर हमारा प्रभाव अच्छाई के लिए होना चाहिए, ना कि अंधकार के लिए, यानी बुराई के लिए नहीं। आवर लाइफ्स मस्ट बी सच, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए दैट कि वेयर एवर वी गो, हम चाहे जहाँ कहीं भी जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव, हम चाहे जहाँ कहीं भी रहें, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे जहाँ जाएं और चाहे जहाँ रहें, अदर पीपल, दूसरे लोग, विल बी द बेटर, और अच्छे बन जाएं फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, यदि हम उनके साथ हों। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे जहाँ रहें और चाहे जहाँ जाएं, दूसरे लोग हमारा साथ पाकर और अच्छे हो जाएं। अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, इज सेंटर ऑफ लाइट, प्रकाश का केंद्र होता है। वेयर एवर ही लिप्स, वे चाहे जहाँ रहे, एंड वाट एवर ही इज़ डूइंग, वो चाहे जो करे।
एक अच्छा नागरिक चाहे जहाँ भी रहे और चाहे जो करे, फर्क नहीं पड़ता कि क्या काम करता है, तो चाहे जो करे और चाहे जहाँ रहे, वो हमेशा प्रकाश का केंद्र होता है। अब देखिए ये लास्ट लाइन ध्यान से समझिएगा, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स। द ग्रेटर मतलब ज़्यादा, जितनी ज़्यादा द नंबर संख्या होगी आप गुड सिटीजन्स अच्छे नागरिकों की, अच्छे नागरिकों की जितनी ज़्यादा संख्या होगी इन अ कंट्री, एक देश में अच्छे नागरिकों की जितनी ज़्यादा संख्या होगी, द मोर इनलाइटेड वह देश विल द कंट्री, यानी वह देश मोर इनलाइटेड उतना ही प्रकाशमान होगा, बी एस होल यानी उस संपूर्ण देश में उतना ही प्रकाश फैलेगा एज अ होल। तो यहाँ से यहाँ तक कहना ये चाहते हैं कि एक देश के पास जितनी ज़्यादा अच्छे नागरिकों की संख्या होगी, वहाँ राष्ट्र उतना ही ज़्यादा प्रकाशमान होगा। ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक आर है और विल बी या फिर होगा सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नागरिक। हम में से प्रत्येक या अभी है या फिर भविष्य में हमारे देश का नागरिक होगा। बट लेकिन वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स, लेकिन हमें अपने मन में या कल्पना करनी चाहिए या फिर निश्चय करना चाहिए वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, कि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं और बैड वंस या फिर बुरे नागरिक बनना चाहते हैं। वी हैव टू डिसाइड, हमें निर्णय करना चाहिए वेदर वी शैल लिव, कि हम जीवन जो है जीने जा रहे हैं सच लाइफ, एक ऐसा जीवन जीने जा रहे हैं दैट कि आवर कंट्री विल बी द बेटर, जिससे हमारा देश अच्छा बनेगा फॉर आवर लाइफ्स एंड वर्क, हमारे जीवन और हमारे कार्य से। फिर से समझेंगे इसको कि वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना चाहिए वी सेल वेदर वी सेल लिव सच लाइफ्स, कि हम ऐसा जीवन जीने जा रहे हैं दैट आवर कंट्री, जिससे हमारा देश विल बी द बेटर, अच्छा बनेगा फॉर आवर लाइफ्स हमारे जीवन एंड वर्क और हमारे काम से, और द वर्स या फिर बुरा बनेगा। तो पूरा मिला के ऐसे कहना चाहते हैं कि हमें यह निर्णय करना चाहिए कि हम ऐसा जीवन जीने जा रहे हैं जिससे कि हमारे जीवन और हमारे कार्य से हमारा देश अच्छा बनेगा या फिर बुरा बनेगा। अब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा देश अच्छा बनेगा, बुरे काम करेंगे तो हमारा देश बुरा बनेगा, तो वही चीज़ कह रहे हैं। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें यह कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए, इमेजिन मतलब कल्पना करना, हमें यह कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए वाट आवर कंट्री वुड बी, कि हमारा देश कैसा होगा, वुड बी लाइक, लाइक ही मतलब हो गया, इफ यदि एवरी वन प्रत्येक लिव्ड जिए एंड एक्टेड और कार्य करे इन जस्ट द सेम वे, ठीक उसी प्रकार एज वी डू, जैसा हम करते हैं। तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि हमारा देश कैसा होगा यदि प्रत्येक नागरिक ठीक हमारी ही तरह जीवन जिए और हमारी ही तरह कार्य करे। तो देखिए बहुत बड़ी बात समझने का यहाँ तरीका समझिए, जैसे एक लड़का बुरा है तो हमेशा बुरा काम करता है, तो अगर उसी बुरे लड़के की तरह पूरा देश के नागरिक बुरे काम करने लगें तो सोचिए देश कैसा हो जाएगा। अब उसी तरह एक अच्छा लड़का है, अब उसकी तरह एक अच्छे लड़के की तरह सभी नागरिक अच्छे काम करने लगे तो सोचिए देश कैसा हो जाएगा। तो यही इमेजिन करने का प्रयास कर रहे हैं। अचैन, एक चैन इज एज स्ट्रांग, उतनी ही मजबूत होती है एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितना कि इसकी कमजोर कड़ी। एक चैन उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि इसकी कमजोर कड़ी होती है। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक इज अ लिंक, एक कड़ी है इन द चेन, उस चेन की, दैट इज आवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश संघर्ष करेगा। इवन दो, भले ही वी मे ट्राई, हम प्रयास करें टू कम्फर्ट आवर सेल्फ, अपने आप को सांत्वना देने का, विथ द फॉल्स आइडिया, इस झूठे विचार से, दैट कि इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाट वन पर्सन डच,
कि एक व्यक्ति क्या करता है इन सच अ लार्ज कंट्री, ऐसे बड़े देश में वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो पूरा हिंदी बताता हूँ एक बार, फिर से चलते हैं, कि यदि हम गरीब और कमज़ोर नागरिक हैं तो हमारा देश संघर्ष करेगा। भले ही हम अपने आप को एक झूठे विचार से सांत्वना देने का प्रयास करें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गरीब सॉरी एक व्यक्ति इस बड़े देश में जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक व्यक्ति क्या करता है। तो फिर से देखिए कि इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, यदि हम गरीब और कमज़ोर नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश संघर्ष करेगा। इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्फ विद द फॉल्स आइडिया, भले ही हम इस झूठे विचार से अपने आप को सांत्वना देने का प्रयास करें दैट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट वन पर्सन डज, कि एक व्यक्ति क्या करता है इन सच लार्ज कंट्री, ऐसे बड़े देश में वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट, बट लेकिन इफ़ वन कैंडल एक मोमबत्ती गोज़ आउट बुझ जाती है, देन इन दैट वन प्लेस, तो उस एक स्थान पर देयर इज़ डार्कनेस, अंधकार हो जाता है इंस्टीड ऑफ लाइट, प्रकाश के बजाय। लेकिन अगर एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो उस एक स्थान पर प्रकाश के बजाय अंधकार हो जाता है। इट इज़ ओनली विन, ऐसा तभी हो सकता है जब विन जब ऑल द कैंडल्स, सभी मोमबत्तियाँ बर्न ब्राइटली, अच्छे से जलें, प्रकाशमान होकर जलें, देन द होल हाउस, तब पूरा घर विल बी फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भर जाएगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब सभी मोमबत्तियाँ ठीक प्रकार से जलें, तब पूरा घर प्रकाश से भर जाता है। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक पर, देयर फोर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह जिम्मेदारी है अ बीइंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनने की। आप ऐसे कह सकते हैं कि हम सभी पर एक अच्छे नागरिक बनने की जिम्मेदारी है। वी मस्ट सी, हमें ध्यान रखना चाहिए दैट आवर पार्टिकुलर लिंक, कि हमारी वाली कड़ी इन द चेन, उस चेन में जो हमारी कड़ी है, इज़ नॉट अ वीक वन, कमज़ोर कड़ी ना बन जाए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस चेन में जो हमारी कड़ी है वो कमज़ोर कड़ी ना बन जाए। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, जब ओलंपिक खेल हो रहे थे इन लंदन, लंदन में इन 1948, जब 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हो रहे थे, अ फ्लेम वाज कैरी टू लंदन फ्रॉम ग्रीस। अ फ्लेम आप कह सकते हैं, एक मशाल वाज कैरीड, लाई जानी थी टू लंदन, लंदन लाई जानी थी फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस से। तो एक मसाल को ग्रीस से लंदन लाया जाना था, एक मसाल को ग्रीस से लंदन लाया जाना था, वेयर जहाँ द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग अगो, जहाँ पर ओलंपिक खेल बहुत समय पहले हुआ करते थे। दिस फ्लेम, यहाँ मसाल वास कैरीड, लाई जानी वाली थी बाई अ लॉन्ग रिले, एक लंबी श्रृंखला ऑफ रनर्स, धावकों की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा, राइट अक्रॉस यूरोप, यूरोप के उस पार तक, यानी यूरोप के उस पार तक यह मसाल धावकों की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा लाई जानी थी। ईच रनर, प्रत्येक रनर यानी धावक, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, एक जलती हुई मसाल लेकर जाता था, रैन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था, टिल जब तक कि ही केम टू द प्लेस, वह उस स्थान पर नहीं पहुंच जाता था, वेयर अ फ्रेश रनर, जहां एक नया या फिर फ्रेश कह सकते हैं ताज़ा रनर, धावक वाज वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहा होता था। यानी प्रत्येक धावक अपने साथ एक जलती हुई मशाल को लेकर उस स्थान तक जाता था जहाँ पर एक नया धावक उसका इंतजार कर रहा होता था, और सर्टेन डिस्टेंस तक दौड़ता था, ये मैं भूल गया था। तो द न्यू रनर, नया धावक, देन लिट हिज टॉर्च, तो अपनी नया धावक अपनी मशाल को जलाता था, फ्रॉम द वन, उससे दैट हैड बीन कैरीड टू हिम,
जो उसके पास लाई जाती थी, यानी पुराने धावक के पास जो मशाल होती थी उस मशाल से नया धावक अपनी मशाल को जलाता था। यानी अपने पास लाई गई मशाल से नया धावक अपनी मशाल को जलाता था। एज सून एज ही हैड डन दिस, और जैसे ही वह उसे जला लेता था, ही सेट आउट टू रन, वह दौड़ता था विथ हीज लाइटेड टॉर्च अपनी जलती हुई मशाल के साथ, टू वेयर उस स्थान तक द नेक्स्ट रन वाज वेटिंग, जहाँ नया धावक इंतजार कर लेता करता था। यानी जब वह अपनी मशाल को जला लेता था तो वह उस स्थान तक दौड़ता था जहाँ पर नया धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। यानी कहने का मतलब है, यहाँ से दौड़ के गए इनके पास, इन्होंने जलाया, अब दौड़ के जाएंगे इनके पास, ये भी जलाएंगे, फिर इनसे आगे ये जलाएंगे, मतलब आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे इस प्रकार से। वेटिंग ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, उसके पास एक नई टॉर्च होती थी, यानी एक नई मसाल होती थी, विच ही जिसे कि वह इन हीज टर्न अपनी बारी आने पर लिट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, लिट मतलब जलाता था, फ्रॉम द वन उससे, ब्रॉट टू हिम जो उसके पास लाई जाती थी। उसके पास एक नई मसाल होती थी जो वो अपने पास लाई गई मसाल से जलाता था। एंड सो फ्रॉम, और इस प्रकार रनर टू रनर धावक से धावक तक, द फ्लेम वाज कैरीड, यह आग यानी यह मसाल लाई गई, टिल जब तक कि इट रीच्ड लंदन, जब तक कि यह लंदन नहीं पहुंच गई। यानी इस प्रकार धावक से धावक तक मसाल को लाते हुए जब तक यहाँ लंदन नहीं पहुंच गई तब तक मसाल को लाया गया। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, फ्रॉम द लास्ट टॉर्च यानी अंतिम मसाल से, वाज लिट द फायर, आग लगाई जानी थी, विच बर्न्ड जो जलती, ऑल टाइम पूरे समय, द गेम्स वर गोइंग ऑन जब तक खेल होते। यानी अंतिम मसाल से आग जलाई जाने वाली थी जो कि जब तक खेल होते तब तक जलती। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ऑल्दो यद्यपि नथिंग वॉज सैड अबाउट इट, देखिए एक दुर्घटना हो गई थी उसका वर्णन कर रहे हैं कि ऑल्दो यद्यपि नथिंग वॉज सैड अबाउट इट, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, एंड नो नेम वर नेम्स वर मेंशनड, और किसी का नाम भी नहीं लिया गया, यद्यपि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया और किसी का नाम भी नहीं लिया गया, एट वन प्लेस एक स्थान पर, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो गई थी, वन रनर एक धावक, व्हेन हैंडिंग ओवर हीज टॉर्च जब अपनी टॉर्च यानी अपनी मसाल को दे रहा था, टू अ फ्रेश रनर एक नए धावक को, लेट इट गो आउट तो यह बुझ गई थी, हाउ असीम्ड ही मस्ट हैव बीन वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा, ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट कि उसने आग को यानी मसाल को बुझने दिया, ही हैड ब्रोकन द चेन उसने चेन को तोड़ दिया, ईच वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक को, एज वी लीव स्कूल जब हम विद्यालय छोड़ते हैं, हैज़ अ फ्लेम टू कैरी यानी जब हम विद्यालय छोड़ते हैं तो हम में से प्रत्येक हैज़ अ फ्लेम टू कैरी एक मसाल लेकर जाता है, विच वी हैव टू पास जो हमें देना होता है, ऑन टू अदर्स जो हमें दूसरों को देना होता है। यानी जब हम विद्यालय छोड़ते हैं तो हम में से प्रत्येक एक मसाल लेकर जाता है जिसे हमें दूसरों को देना होता है। वी हैव बीन गिविंग नॉलेज हमें शिक्षा दी जाती है, एंड स्किल और कुशलता प्रदान की जाती है, यानी हमें शिक्षा और कुशलता प्रदान की जाती है। दीज वी पास ऑन जिसे हमें देना होता है, बाई यूजिंग प्रयोग करके, देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की सेवा में, यानी जिसे हमें हमारे देश की सेवा के लिए देना होता है, यानी हम उनका प्रयोग करके अपने देश की सेवा करते हैं। फिर से, दीज वी पास ऑन जिसे हमें देना होता है, बाय यूजिंग देम उनका प्रयोग करके, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की सेवा में, जिससे यानी जिसे हमें उनका प्रयोग करके अपने देश की सेवा में देना होता है। इफ़ यू डू नॉट यूज देम यदि हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स तो इसका मतलब है दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, इसका मतलब है कि हम मसाल को बुझने दे रहे हैं, एंड नन ऑफ अस और हम में से कोई भी वांट टू डू डैट
यानी हम में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कि यदि हम उसे बुझने देते हैं, यदि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसे बुझने दे रहे हैं और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल, लेकिन अगर हम योग्य होना चाहते हैं, टू कीप अलाइट द टॉर्च, इस टॉर्च को जलाए रखने के लिए, यानी अगर हम इस टॉर्च को जलाए रखना चाहते हैं, इस मसाल को जलाए रखना चाहते हैं, दैट हैज़ बीन गिविंग टू अस, जो हमें दी गई है, वी हैव टू नो, हमें जानना चाहिए, तब हमें जानना चाहिए हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि इसकी कैसे देखभाल करनी है, एंड वी हैव टू नो, और हमें जानना चाहिए हाउ टू होल्ड इट, कि इसे कैसे पकड़ना है एज वी रन, जब हम दौड़ेंगे। फिर से यहाँ से कि बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च, लेकिन यदि हम इस मसाल को जलाए रखना चाहते हैं, दैट हैज़ गिवन टू अस, जो हमें दी गई है, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, तो हमें जानना चाहिए कि हमें इसकी देखभाल कैसे करनी है, एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट, और हमें जानना चाहिए कि इसे कैसे पकड़ना है एज वी रन, जब हम दौड़ेंगे, यानी दौड़ते हुए इसे कैसे पकड़ना है, यह बात भी हमें जाननी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें अपने आप को ट्रेन यानी प्रशिक्षित करना है, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की सेवा के लिए। यानी दूसरे शब्दों में, हमें अपने आप को नागरिकता और अपने देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बात और, आपकी फिजिक्स और आपकी मैथ भी चल रही है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर